हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बाइक के बारे में मैं जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। ये जानकारी के वजह से आप बाइक आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि बहुत से जो बिगिनर लोग होते हैं उनको पता नहीं रहता बाइक क्या चीज है, कैसे उससे कंपोनेंट क्या होती है। तो दोस्तों, बाइक चलाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बाइक का जो कंपोनेंट मेन पार्ट है इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे साइकिल है वैसे बाइक सोचो, लेकिन थोड़ा सा एडवांस पे कुछ तो चीज हो जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखते हैं, बाइक के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पहले नंबर क्लच आता है, क्लच जैसे यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, क्लच, क्लच आ गया। उसके बाद थ्रोटल, थ्रोटल को हम लोग रेस भी बोल सकते हैं। जितना रेस आप दोगे उतनी बाइक भागेगी, कम रेस दोगे कम भागेगी, ये रेस आपको पता है। उसके बाद गियर आता है, गियर है ना, गियर अलग अलग प्रकार के गियर होते हैं बाइक में। उसके बाद ब्रेकिंग आता है, ब्रेकिंग। तो दोस्तों, आपको बाइक अगर अच्छी तरीके से चलाना, अच्छी अच्छी को अंडरलाइन, अच्छी तरीके से चलाना है, बाइकर राइडर बनना है, तो ये चार चीज का नॉलेज होना सबसे जरूरी है। उसमें से भी हम लोग इसमें चारों चीज में मास्टर बनना जरूरी है। अगर आप चारों चीजों में, चारों कंपोनेंट्स में अगर मास्टर बनते तो आपका एक्सीडेंट कभी ना होगा, आप कभी नहीं गिरोगे, ना किसी को ठोकेगे। ये मतलब कोई तो पीछे से आके आपको ठोक सकता है जिसको जानकारी है, लेकिन आप किसी को नहीं ठोकेंगे। आप कोई भी जगह पर, भले से शिमला जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, ढलन वाला चीज हो, ढलन के ऊपर जाना है, नीचे जाना है, घाट के ऊपर, कोई भी जगह, रेत की जमीन हो, मिट्टी की जमीन हो, पत्थर की जमीन हो, या डांबर का जो रास्ता तार का होता है वो रोड हो, या सीमेंट पार्क, कोई भी प्रकार की जमीन हो, कहीं पे भी आप फंसेंगे नहीं, आप आराम से चल सकते हैं। लेकिन कभी ये चारों सिस्टम में अगर आप मास्टर बनेंगे तो, ये बारे में जानकारी। जैसे मैंने अलग अलग वीडियो में बताया बाइक कैसे चलाना, क्या करना, लेकिन मैं इस वीडियो में ये चार सिस्टम के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो बाइक में सबसे, जो बाइक में गियर होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो कौन सा होता है, क्लच। अगर क्लच नहीं होगा तो आप ठीक से गियर वाली बाइक नहीं चला सकते। क्लच सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्लच। अगर क्लच नहीं होगा तो आप ठीक से बाइक नहीं चला सकते। तो क्लच का भी हमें काम करना है। जैसे मैं एक एक चीजों के काम के बारे में, फंक्शन के बारे में नॉलेज देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं क्लच। जैसे बाइक होता है उसमें जो लेफ्ट हैंड में होता है वो क्लच होता है, राइट हैंड में होता है आगे के व्हील का ब्रेक होता है, लेफ्ट में होता है वो क्लच। तो क्लच का इस्तेमाल हम कभी करते तीन जगह पर कर सकते हैं, तीन जगह। तो कहाँ पर कर सकते हैं, जब आपको गियर को शिफ्ट करना है, ये जो गियर है, गियर को आपको शिफ्ट करना है। शिफ्ट का मतलब अप करना है या डाउन करना है, यानी घटाना है या बढ़ाने का गियर को, तो उस समय क्लच का इस्तेमाल होता है। जब भी क्लच शिफ्टिंग होता है उस समय क्लच को अपनी ओर खींचना पड़ता है। अपनी ओर खींचने से क्या होगा, जो भी हमारा पिस्टन होगा, गियर बॉक्स होगा, बीच में जो हमारा जो प्लेट होगा क्लच प्लेट का, इनका मिलाप नहीं होता है, छूट जाते। कभी क्लच अगर हम लोग अपनी ओर खींचते तभी जुड़े रहते, अलग अलग गियर बॉक्स और जो जो प्लेट होते वो अलग अलग होते हैं। इनमें कोई भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होता, कोई भी प्रकार का लेना देना नहीं होता, दोनों भी सेपरेट होते हैं, है ना। पिस्टन और गियर बॉक्स अलग अलग होता है, लेना नहीं होता इसके हिसाब से। कभी क्लच अगर हम लोग अपनी ओर खींचते तो हिसाब से, यानी क्लच अपने और कब खींचते हम लोग, तीन में से गियर को अप या डाउन करते उस समय, यानी गियर शिफ्ट करते समय हम लोग को क्लच को अपने और खींचना है। अपने और क्यों खींचना है, क्योंकि जो क्लच प्लेट होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो फिक्स हुए नहीं रहते, जो हाउसिंग होता है उसमें होता है, प्रेशर होता है उसमें फिट हुए नहीं। अगर जब तक हम लोग क्लच अपनी ओर नहीं खींचोगे तब तो खुला होके फ्रीली दूसरा गियर नहीं बैठेगा, दूसरे गियर हम लोग को जाने के लिए हम लोग को क्लच को अपने ओर खींचना ही पड़ेगा। क्लच अगर हम लोग नहीं खींचेंगे तो क्लच का फ्रिक्शन हो जाएगा, घर्षण होगा, क्लच प्लेट आपका जल सकता है, टूट सकता है, खराब हो जाएगा, तो नुकसान ज्यादा होगा, खर्चा भी ज्यादा होगा। इसके लिए आपको क्या, कभी कभी आप सुनते हो ना टक टक की आवाज आता है, तो ये सिचुएशन होता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। इसके लिए क्लच को अपने ओर खींचना है गियर शिफ्ट करते समय। पहला मैंने फंक्शन बता दिया क्लच का, कभी शिफ्टिंग के बारे में। उसके बाद सेकंड फंक्शन कभी काम आता है हाफ क्लच रखने के लिए, हाफ क्लच। हाफ क्लच आप कहां पर रखेंगे, हेवी ट्रैफिक में। जैसे मैंने पहला बात बता दिया आपको गियर को शिफ्ट करना है उस समय, हाँ गियर शिफ्ट करते समय। दूसरा रीजन मैं बताना चाहता हूँ,
कभी हेवी ट्रैफिक में हो। अगर हेवी ट्रैफिक होगा तो आपको हाफ क्लच रखना है, क्यों? हेवी ट्रैफिक का मतलब बहुत ज्यादा गाड़ियां आगे पीछे दाया भाई, आपको रुक रुक के जाना पड़ेगा, कोई भी कंटिन्यू जा नहीं सकता, आपको रुकना भी पड़ेगा, थोड़ा इस तरह जाना पड़ेगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर ऐसे जाना पड़ता है। हेवी ट्रैफिक में ट्रैफिक अलग होते हैं, हेवी ट्रैफिक का भी मैंने वीडियो बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं। तो हेवी ट्रैफिक में आपको हाफ क्लच रखना है, पहले उस समय क्लच का इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात कौन से क्लच की, अगर आप ढलान के ऊपर जा रहे, नीचे नहीं ढलान के ऊपर जा रहे, उस समय आपको हाफ क्लच रखना पड़ेगा। क्यों हाफ क्लच रखना पड़ेगा? क्योंकि हमारा इंजन बंद नहीं होना चाहिए और बाइक के इंजन को पावर मिलनी चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, उसको ढकेलना चाहिए। बाइक को ऊपर ढकेलने के लिए इंजन स्टार्ट होना चाहिए, गियर में होना चाहिए। ज्यादा ऊपर जाने तो आपको फर्स्ट गियर में रखना है बाइक को, सेकंड थर्ड गियर में नहीं। ज्यादा ढलान अगर ऊपर वाला स्लोप है तो कम वाला रहेगा तो सेकंड थर्ड में चलेगा, लेकिन ज्यादा अगर ऊपर वाला रहेगा तो आपको फर्स्ट गियर में रखना है। लेकिन इस समय अपोजिट काम करना है, ढलान के नीचे उतरते वो अलग काम है। ढलान के नीचे उतरने वाले वीडियो में मैंने कहा है क्लच को अपनी ओर खींचना है, लेकिन ढलान के ऊपर जाते उस समय आपको हाफ क्लच रखना है। यानी हाफ क्लच का इस्तेमाल आपको क्या करना पड़ेगा, ढलान के ऊपर जाते समय, यानी स्लोप के ऊपर जाते समय, यानी स्लोप के ऊपर, यानी अप जाना है स्लोप के ऊपर, उस समय हाफ क्लच का आपको इस्तेमाल। ये दोनों जगह पर हेवी ट्रैफिक और अप स्लोप वगैरह ज्यादा ऊपर जाने वाला, तो आपको हाफ क्लच रखना है। इस हिसाब से यहाँ पे गियर शिफ्टिंग करते समय क्लच को अपने को अपनी ओर खींच, यानी क्लच का इस्तेमाल। दूसरा क्लच का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, तीनों के अलावा दूसरा कोई फंक्शन नहीं है क्लच का, ये मतलब है अपना। उसके बाद क्लच की जानकारी मैंने दे दी। उसके बाद हम लोग देखते हैं थ्रोटल, जो राइट हैंड में होता है रेंज देते हैं, हम लोग ज्यादा रेंज देंगे तो ज्यादा बाइक भागेगी, कम रेंज देंगे तो कम भागेगी, ये मतलब है। यानी बाइक को स्पीड करने के लिए या कम करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, रेंज का इस्तेमाल करते थ्रोटल। एक रेस का जो केबल होता है एक्चुअली कहाँ पर चला जाता है, जो हमारा कार्बोरेटर रहता है उसके ऊपर चला जाता है। अगर हम जितना रेस देंगे उतना जो कार्बोरेटर के अंदर जो होल होता है जैक होते हैं वो ओपन होते हैं, यानी एयर की मात्रा ज्यादा जाती है, ज्यादा एयर की मात्रा जाएगी। एक्चुअली आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो फ्यूल यानी पेट्रोल के ऊपर अगर हम लोग बाइक चलाते हैं तो पेट्रोल 25% और 75% एयर चाहिए, यानी 75% हवा एयर और 25% प्योर, इनका अगर मिलाप होता है तो सही मात्रा में बाइक चलेगी, कोई भी व्हीकल चलेगी, ये मात्रा है। जब हम लोग रेस देते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, वो केबल होता है, वो केबल क्या होता है कार्बोरेटर के ऊपर की तरफ होता है, वो खींचता है ऊपर, आप देख सकते हैं कट कट की भी आवाज है ऊपर की तरफ। तो जैक होता है जो होल होता है बड़ा होल होता है कार्बोरेटर का, वो खुला होता है, एयर पास हो जाते एयर फिल्टर के अंदर से शुद्ध वातावरण की एयर यानी ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये मतलब होता है। और जितना रेस देना चाहता है जितना भागना चाहता है उतना थ्रोटल देना है, कम जाना है तो हमें कम करना है। अगर हम लोग ब्रेकिंग करते हैं तो उस समय इसको जीरो रखना है, इसको छोड़ देना है यानी रिलीज करना है। अगर ज्यादा स्पीड जाना है तो भी हम लोग को इसको लेना है, नहीं तो नहीं, यही इसका फंक्शन है, दूसरा कुछ काम नहीं है। ज्यादा स्पीड करना है तो इसको ओपन करना है, खींचना है यानी घुमाना है, ज्यादा कम करना है तो कम कर सकते हैं। अगर बाइक का इंजन ब्रेकिंग करते हैं रुकाना है तो जीरो करना है, ये मतलब है। अभी तीसरा बात आता है गियर के ऊपर, गियर क्या होता है? तो दोस्तों बाइक में गियर होता है पैर के इधर होता है, लेफ्ट पैर होता है, इसके नीचे गियर होता है। कोई कोई बाइक में होता है यानी न्यूट्रल तो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर होता है। कोई कोई बाइक में हायर सीसी वाले के बाइक में पांचवा गियर या छठवा गियर ऐसे भी होता है, अलग अलग गियर होता है, ये मतलब होता है। नॉर्मली जो लो सीसी की बाइक होती है इसमें चार ही गियर होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये मतलब होता है। जैसे अलग अलग कंपनी के बाइक के गियर अलग अलग सिस्टम में होते हैं, जैसे मैंने वीडियो बना दिया वो भी आप लोगों को बता दें कि भाई अभी इसमें कोशिश नहीं करा, मैंने वीडियो बना दिया वो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हीरो के बाइक में क्या होता है, जो न्यूट्रल होता है वो आगे होता है हीरो के बाइक, थोड़ा शॉर्टकट में बताने की कोशिश, आप वीडियो देख सकते हैं। अगर हीरो कंपनी की बाइक होती है हीरो की बाइक तो उसमें न्यूट्रल होता है वो नीचे होता है, पहला गियर दूसरा गियर तीसरा गियर चौथा गियर ऐसे होता है, पहले में होता है हीरो के बाइक में। समझो होंडा की बाइक है, होंडा की बाइक होगी तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट गियर है फर्स्ट और सेकंड गियर है इसमें इसके बीच में न्यूट्रल होगा, पहले दूसरे गियर के बीच में न्यूट्रल होगा, बाद में तीसरा चौथा ऐसे गियर होगा, पांचवा रहेंगे तो आगे पांचवा, यानी होंडा की बाइक में पहले दूसरे गियर के बीच में न्यूट्रल होता है,
लेकिन हीरो के बाइक में न्यूट्रल सबसे नीचे होता है, बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चला जाता है। होंडा के बाइक का गियर डाउन करते समय चौथे से हम लोग तीसरे से दूसरे न्यूट्रल पे ले जाएंगे, डायरेक्ट फर्स्ट पे जाएंगे, बाद में वापस न्यूट्रल पे लाना पड़ेगा, ये सिस्टम होता है। डायरेक्टली नहीं आता ऐसा, इसमें तो एक्चुअली ऐसा आएगा ऐसे आएगा, इस हिसाब से हम लोग की बाइक चलती है। वही सबसे बजाज होता है, बजाज में भी यही सिस्टम रहता है लेकिन उल्टा होता है। जैसे यामा बजाज हो, ये एक कंपनी है, यामा यानी बजाज कंपनी की गाड़ी है ना, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, ऊपर से चला जाता है पहला दूसरा, इसके बीच में न्यूट्रल आ गया, पहला न्यूट्रल सेकंड, बाद में थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सबसे बनेगा। यानी मतलब क्या है, यामा की जो बाइक होती है बजाज, इनका गियर पीछे से चालू होता है, पीछे के रहता है, इसलिए मैं ऊपर बता जाए न्यूट्रल बीच में होगा पहले जो है, ये सेम होता है लेकिन एक से पीछे से गियर बैठे या आगे से गियर बैठे, ये मतलब है। तो इसकी जानकारी मैं वो वीडियो में दिया है, वो शॉर्टकट में अभी सोचा तो बता दिया, लेकिन वो अपना आज का टॉपिक नहीं है। तो फिर से टॉपिक के ऊपर आते हैं, गियर के ऊपर। तो गियर का मतलब क्या होता है, जो गियर में हम लोग बाइक चलाएंगे वो हिसाब से बाइक भागेगी। पहला गियर होता है जिसे फर्स्ट गियर होता है, पहला गियर, तो पहले गियर में गाड़ी को उठाने का रहता है, उठाने का मतलब स्टार्ट करना है। पहले आप न्यूट्रल पे गाड़ी दे, बाइक चालू किए, न्यूट्रल के बाद आपको फर्स्ट गियर में जाना पड़ेगा, न्यूट्रल के बाद फर्स्ट गियर में जाना पड़ेगा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ के आपको रेंज देके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पहला गियर स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद थोड़ी दूरी पर जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्लच को अपनी ओर खींच के सेकंड गियर डालना पड़ेगा, अप गियर सेकंड दूसरा, और इसको देखे क्लच आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के जाना पड़ेगा, तभी स्पीड पकड़ेगा। सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ ऐसे जा सकते, नीचे आ सकते। क्लच का ऑपरेशन का मैंने बात वीडियो में बता दिया है, इसमें भी मैंने बात किया, क्लच शिफ्ट करते समय अप डाउन करते समय हम लोग को क्लच अपनी ओर खींचना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या होता है, सभी गियर का एक लिमिट होता है। अगर आप सेकंड गियर पे और आप सोचेंगे कि मुझे बहुत स्पीड में जाना है डायरेक्ट चौथे गियर पे, तो नहीं जा सकते। इसे सेकंड गियर की जो मर्यादा होती है उसके अंदर ही बाइक चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। इसके लिए सब गियर का एक सिस्टम होता है, इतना इतना स्पीड तक ही चलेगा, नहीं तो आवाज आएगा, आप ज्यादा भागने की कोशिश करेंगे आवाज आएगा, आवाज आने की वजह से आपको पता चलेगा कि गियर शिफ्ट करना चाहती है, भले से आगे का गियर डालो या गियर डाउन करके रेस कम करके स्लो कर दो ब्रेकिंग करके, ऐसा चाहते आवाज करे, आवाज करेगी, इसका मतलब वो गियर की जो मर्यादा होती है भागने वाली वो खत्म हो गई, वो गियर में अभी और भागेगी नहीं भाई, ऐसा मतलब है। यानी सभी गियर का एक लिमिट होता है, इतना ही लिमिट में वो भागेगी, बाकी ज्यादा नहीं भागेगी, ऐसा मतलब है ये चीज है। यानी गियर का मतलब मैंने बताया, गियर होता है स्पीड के लिए होता है, ज्यादा गियर डालोगे तो आपकी बाइक स्पीड होगी, कम गियर डालोगे तो बाइक आप कम हो जाएगी, ये मतलब है। उसके बाद लास्ट वाला बात देखते हैं, ब्रेकिंग का बात, ब्रेकिंग सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है, जैसे क्लच का सिस्टम इम्पोर्टेंट है वैसे ब्रेकिंग का सिस्टम, क्योंकि आप बाइक चलाते साइकिल नहीं चला रहे थे, बाइक चला रहे वो तो आपका अगर 100 का 120 का 80 का 50 60 का अगर स्पीड होता है तो उस समय क्या करना पड़ेगा, कभी बाई चांस आपको बाइक को स्लो करना है, रुकाने का है, तो आपको ब्रेकिंग करना पड़ेगा, तो ब्रेकिंग में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग करने की अलग अलग स्किल होती है, कला होती है, वो आप मेरे वीडियो में चैनल पर जाके मेरा वीडियो देखो, इस प्रकार ब्रेकिंग करके तो आप जिंदगी में कभी नहीं गिरोगे, आप देखो चैनल को वीडियो में जाके, तो आपको ये पता चलेगा ब्रेकिंग करने की स्किल है, कैसे ब्रेकिंग करना है, कौन सा ब्रेक करना है, पीछे का आगे का या दोनों, या इंजन ब्रेक कैसे करना है, इंजन ब्रेक की भी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ब्रेकिंग सबसे मायने में रखते है, ब्रेकिंग आपको सीखना पड़ेगा। अगर गलत ब्रेकिंग करते तो आपका पीछे का व्हील है वो स्किप हो सकता है, बाइक फिसल सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है गलत अगर ब्रेकिंग करते दो। तो दोस्तों बाइक में मैंने बताने की कोशिश की, चार पार्ट्स है, ये मेन इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, क्लच थ्रोटल गियर ब्रेकिंग। इसमें अगर आप मास्टर बनते हैं तो सही तरीके से आप बाइक को चला सकते हैं, भले से कोई भी प्रकार का रोड हो, चाहे ढलान हो, चाहे नीचे हो, ऊपर हो, रेतीला सड़क हो, चाहे डामर का तार का रोड हो, चाहे सीमेंट कंक्रीट का हो, चाहे पत्थर का हो, कोई भी प्रकार का रोड हो, आप आसानी से बाइक चला सकते, जैसे चाहे वैसे चला सकते। इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात, रुको ये छोटी बात नहीं बड़ी काम है, बड़े काम की बात है, लेकिन बहुत जन पूछते नहीं ना, तो सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाए, बड़ी काम है। इसमें आपको चार फैक्टर में आपको मास्टर बनना पड़े, इसमें अगर मास्टर बनते हैं तो आप सही मात्रा में कैसे बहुत से बाइकर बन सकते हैं, राइडर बन सकते हैं,
खुशी, जैसे मेरा बाइक चलाना मेरा पैशन है, वो हिसाब से मैं ये सब सीख गया। मैं को खुद मैकेनिक हूँ, खुद राइडर हूँ, दूर दूर चला जाता हूँ, ये आपको पता है। तो आपको भी अगर इच्छा है, अगर सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा। जय हिंद।